सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करें। फाइल न्यू, इसमें फाइल का नाम दे, ठीक। उसके बाद साइज, विड्थ, हाइट, उसके बाद रेजोल्यूशन और बैकग्राउंड वाइट, ओके, ठीक। उसके बाद डी पे क्लिक किया, डी हो गया सर। ये विंडो कंप्लीट है। रहमान, कंट्रोल टी शिफ्ट करके इसको बड़ा करो, एंटर। सिस्टम सिस्टम इन्हें हो गया, टीपी क्लिक करना है, सारे को सिलेक्ट करना है, इसके बाद फोन सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। रहमान कितने 200 चेक करना या उतार देना, वायरस सारा स्कैन किया ना भाई, वायरस ले ले को वायरस तो बहुत है, कार्ड नहीं बन साड़ देना डुप्लीकेट करने, कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी, कंट्रोल जे, कोरल में कंट्रोल डी होगा, फोटोशॉप में कंट्रोल जे होगा, ठीक। इस पे क्लिक किया, सी, ए, ठीक। अब इस पे राइट क्लिक, सिलेक्ट, इस पे राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन में क्या करना है, सबसे पहले क्या है, स्ट्रोक, स्ट्रोक से क्या होगा, इसका आउटलाइन बॉर्डर देगा, इसको हम बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, सेंटर हो सकता है, ठीक। ओपेसिटी है इसकी, वो ट्रांसपेरेंसी हल्का मध्यम कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद कलर ओवरले, इसके अंदर रंग भरना है, स्ट्रोक, ठीक है। इसके बाद अगर कलर नहीं है, ग्रेडियंट से क्या होगा, ये ग्रेडियंट, ग्रेडियंट नहीं है तो पैटर्न, ये पैटर्न, ठीक है। इसको भी कलर कर लेते, ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो से क्या होगा, इसका साया स्प्रेड, उसको साये को फैला सकते हैं, डिस्टेंस फासला साये का कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फैलाना ये आ गया, साइज ये आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसमें नॉर्मल कर दें और ये ओपेसिटी, ये मल्टीप्लाई क्या है, अभी आपने नॉर्मल रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर ये आउटर बॉर्डर के शेड वगैरह आते हैं, इसको भी मैं यही किया सिंपल सिंपल रखता हूँ। फिर उसके बाद इनर शेडो, इनर शेडो है नॉर्मल पे रखते हैं, इसको साइज बढ़ाया, ये बढ़ाया, ये अंदर से शेडो चेंज हो रहा है, ठीक है। अंदर साया जो है वो
ठीक है ओके। राइट क्लिक, टी पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसका फॉन्ट अच्छा सा मोटा सा को लगा देते हैं। हेल्प पे क्लिक करना है, इसको राइट ये साइड पे कर दें, कंट्रोल टी शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा कर देना, पेस्ट पे राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन दोबारा, ये क्या है कलर ओवरले। कलर ओवरले में सपोज के मैंने सुरख कर दी, ठीक है, स्ट्रोक स्ट्रोक में मैंने इसको येलो कर दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ गया जी ड्रॉप शेडो, इसका साया है ये, उसका आप साया बड़ा कम सकते हैं, इसकी ये पेस्टी है, तेज अच्छा लग रहा है साया, हाँ ये थोड़ा मतलब कर देते हैं। उसके बाद इनर ग्लो, ये अंदर से रोशनी बढ़ाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, आउटर ग्लो थोड़ा करते हैं, इनर ग्लो बंद, इसमें इसका साइज बढ़ाएं पहले, उसके बाद इसको स्प्रेड, ठीक हो गया। स्ट्रोक थोड़ा लाइट कर देते हैं, इसमें सेंटर की जगह आउटसाइड कर देते हैं, ब्लेंड मोर डार्कर मल्टीप्लायर, बस ठीक हो गया। अब इस स्टाइल को सेव करना है, स्टाइल में आना है, इधर आके क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, फिर सी पे आ गया, इसको क्लिक किया, टी पे क्लिक किया, सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके इसको चेंज कर दिया, इसको टिक कर दिया, इसको भी उड़ा दिया, इसका भी उड़ा दिया, देखो एरो पे क्लिक किया, इस पे आके सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे, अब जेड राइट फिट ऑन सकते, एरो पे क्लिक किया, राइट टी पे क्लिक किया, ए क्लिक करके सी, समझ आई। अगर मैं कुछ भी लिखना है यहाँ पे लिखा, इधर लिखा CPOS, इसका साइज छोटा कर देना
100 कर दिया, इसके नीचे किया। अब इसको राइट क्लिक करके ये नया फॉन्ट लगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आया, इसमें सिर्फ कलर ओवरले जो है वो मैं कर देता हूँ येलो, और जो इनर शेडो है वो थोड़ा कर देता हूँ, चोट भी कम कर देता हूँ। स्ट्रोक जो है वो मैं सॉफ्ट कर देता हूँ, सेम मल्टीप्लाई नहीं नॉर्मल कर देता हूँ, उसको ब्लैक करते हैं, ब्लैक अच्छा लगेगा, या नीला कर देते हैं, ब्लैक अच्छा है, ठीक ठीक है। कोई मसला क्लियर?